हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परवेज मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिर्ज़ा ग्रुप। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारा जो कम्युनिटी टैब है वो हम लोगों को कितने सब्सक्राइबर पर मिल सकता है। ये एक यूट्यूब ने बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है कि पहले क्या होता था, 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद ही हमारे चैनल पर कम्युनिटी टैब इनेबल होता था। लेकिन उसके कुछ महीने के बाद अपडेट आया कि 500 सब्सक्राइबर होने पर भी हमारा कम्युनिटी टैब अनेबल हो जाएगा। लेकिन अब यूट्यूब की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है कि अगर हमारे चैनल पे 100, 50, 20, 30 या 10 सब्सक्राइबर भी हैं तो भी हमारा कम्युनिटी टैब इनेबल हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर हमारे चैनल पे 0 सब्सक्राइबर भी हैं तो भी हमारा कम्युनिटी टैब इनेबल हो जाएगा। और ऑलमोस्ट लगभग मैं कहता हूँ 99% लोगों का इनेबल हो चुका है। कुछ लोग हैं जिनका अगर किस वजह से नहीं हुआ होगा तो वो एक दो दिन में हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब अपनी तरफ से कर रहा है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और कुछ लोग की कन्फ्यूज़न है कि सर अगर हमारा इनेबल हो भी जाता है तो हमें कम्युनिटी टैब से क्या होता है, क्या फ़ायदा है कम्युनिटी टैब से। तो देखो क्या होता है, नॉर्मली हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, उसी से हमारे लाइक आते हैं, सब्सक्राइब बढ़ते हैं, सब कुछ उसी से ही होता है। लेकिन कम्युनिटी टैब मिल जाने से हम लोग को क्या फ़ायदा होगा कि वीडियो के साथ साथ हम लोग कोई चीज़ लिख के, कुछ नॉलेज हो या कोई शायरी हो, इस तरह से कुछ भी लिख के हम लोग यूट्यूब पे पोस्ट कर पाएंगे। जैसे आप देखते होंगे जब हम यूट्यूब चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो के बीच बीच में कहीं कहीं हमें कोई पोस्ट किया हुआ मिल जाता है, वो हैप्पी दिवाली हो, हैप्पी होली हो, इस तरह से कुछ भी कोई लिख के पोस्ट कर देता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, दूसरा हमारा चैनल ग्रो ज़्यादा करता है उस चीज़ को लेके। तो अगर हमारे चैनल पे कम्युनिटी मिल जाता है तो इससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ होंगे और हमारा चैनल की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। तो ये फ़ायदा होता है। अगर आपके माइंड में ये था कि नहीं सर इसे मिल जाए या ना मिले इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, पर अगर आप उसको यूज़ करें तो, ऐसा नहीं कि इनेबल हो गया आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ लिख के पोस्ट करते रहो, क्योंकि उससे ग्रोथ होगा। जैसे हम लोग वीडियो भी बनाते ही हैं, वीडियो बना के अपलोड करते हैं, बहुत सारा सिस्टम करते हैं, SEO करते हैं, इतना सारा टाइम वेस्ट होता है हमारा, उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट है कि आप 5 मिनट लगेंगे एक पोस्ट लिख के करो, वो ज़्यादा बेस्ट है, उससे भी आपका चैनल इंक्रीज होगा। वीडियो आप बराबर बनाओ, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आप वीडियो बनाना छोड़ दो, वीडियो बराबर बनाते रहो, लेकिन साथ साथ कोई कभी कभी पोस्ट भी कर दो, उससे चैनल इंक्रीज होगा आपका, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चैनल ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।